जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस में सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपकी रोज क्लास सुबह 9:30 बजे होती है और रात्रि 9 बजे होती है हिंदी की, ठीक है। बहुत सारे वीडियो मैंने आपको ट्रिकी वीडियो दिए हैं दोस्तों हिंदी के, ठीक है। और एक पूरा 10 घंटे का वीडियो मैंने आपको दिया है जिसमें आपका हिंदी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखें दोस्तों। और आज का जो ट्रिकी वीडियो है वो बहुत ही मस्त होने वाला है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले अष्टचाप के कवियों का कालक्रम अध्ययन, इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा और लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके अष्टछाप के कवियों के मैं आपको आज सॉल्व करवाने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो 9098609291 ये व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो आप ज्वाइन करें, ये नंबर है, ठीक है। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं दोस्तों, है ना। ज्वाइन मेंबर बनकर आप ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ आदि मिलता रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अष्टछाप के क्रमबद्ध कवि की ट्रिक। सबसे पहले आपको देखना है क्या ट्रिक है। कुंभ के सूर परमानंदा कृष्ण छीत गोविंदा और चतुर्भुज नंदा। कैसे पढ़ोगे आप? कुंभ के सूर परमानंदा कृष्ण चित गोविंदा और चतुर्भुज नंदा। इस प्रकार से आप लय बना लेना और आपको ये इस प्रकार से क्रम से याद हो जाएंगे दोस्तों। कुंभ के सूर परमानंदा, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, चित स्वामी, गोविंददास, चतुर्भुजदास और नंददास, ये आपके क्रम से क्या हो जाएंगे दोस्तों? अष्टछाप के कवि हो जाएंगे। ये आपको ट्रिक याद रख लेना है। अब देखो दोस्तों, कुंभनदास है ना, कुंभनदास का जन्म 1468 में हुआ, सूरदास 1478, परमानंददास 1493, कृष्णदास 1495, चित स्वामी 1501, गोविंददास 1505, चतुर्भुजदास 1530 और दोस्तों नंददास 1533। अब यहाँ से आपके क्रमबद्ध हैं, सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं कुंभनदास, सबसे जो दोस्तों कम उम्र के माने जाते हैं या सबसे छोटे माने जाते हैं वो नंददास, तो ये तो आपको हो गया। फिर दूसरे नंबर पर सूरदास आते हैं, तो ये याद रख लेना है। कुंभ के सूर परमानंदा कृष्ण छीत गोविंदा और चतुर्भुज नंदा, ये आपको याद रख लेना है। और एक क्रमबद्ध कवि आपकी नेट और पीजीटी एग्जाम में क्रमबद्ध कवि पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमें यहां पर बताना है, क्या बताना है, अष्टछाप के संस्थापक कवि माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं अष्टछाप के संस्थापक कवि? आपको उत्तर का चयन करना है 2 सेकंड में और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों, विट्ठलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक कवि कौन माने जाते हैं? विट्ठलनाथ, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई, 2 सेकंड में आप उत्तर अपना कमेंट में लिखते जाएं। और आपने बिल्कुल सही बताया है कि अष्टछाप की स्थापना हुई है 1565 में, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दोस्तों, अष्टछाप में वल्लवाचार्य के शिष्य के नाम बताइए। अब वल्लवाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, ठीक है, इस प्रकार से थे। तो वल्लवाचार्य के 4 शिष्यों की ट्रेक वह है दोस्तों, कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं। क्या याद रखोगे वल्लवाचार्य के? कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं, ये वल्लवाचार्य के शिष्य हैं। कुंभ से कुंभनदास, सूर से सूरदास, पर से परमानंददास, कृष्ण से कृष्णदास, ये 4 जो हैं दोस्तों वल्लवाचार्य जी के शिष्य कहलाते हैं। ट्रिक क्या है अपनी? कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं, ठीक है, ये ट्रिक है। और ये पीडीएफ आदि दोस्तों ज्वाइन मेंबर को ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है, ठीक है। और वल्लवाचार्य के 4 शिष्य हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है अष्टछाप के, अष्टछाप में विट्ठलनाथ के शिष्य के नाम बताइए, तो अष्टछाप में पूछा गया है तो इसको याद रख लेना है, गोविंदा छीत चतुर्भुज नंदा, गोविंदा छीत चतुर्भुज नंदा, ठीक है। तो गोविंदा से गोविंददास, छीत से छीत स्वामी, चतुर्भुजदास से चतुर्भुजदास, नंदा से नंददास, ये विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे और वो काय के थे दोस्तों? वल्लवाचार्य के 4 शिष्य थे। इस प्रकार से ये अष्टछाप की स्थापना हुई, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य और 4 वल्लवाचार्य के शिष्य, अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 में कर दी, ठीक है। ये तो इतना क्लियर हो गया आपको, गोविंद छीत चतुर्भुज नंदा और कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं, ये वल्लवाचार्य के हो गए, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों, अष्टछाप के कवियों का रचनाकाल माना जाता है, तो रचनाकाल इनको क्या क्या माना जाता है दोस्तों?
अगर आपको पता हो अष्टछाप के कवियों का रचना काल 1500 से 1585 ईस्वी, ये अष्टछाप के कवियों का रचना काल माना जाता है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और अगला दोस्तों है, अष्टछाप के कवियों में भाषा के सबसे धनी कवि कौन थे। ये अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो चाहे नेट एग्जाम हो, पीजीटी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप दे रहे हैं, अष्टछाप से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। अष्टछाप के कवियों में भाषा के सबसे जो धनी कवि थे वो थे सूरदास। कौन थे? सूरदास थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, अष्टछाप के कवियों में सूर के पश्चात सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे। सूर के पश्चात बतानी है, अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर लिखा करें। और आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा नंददास। जी हाँ दोस्तों, नंददास सूर के पश्चात जो थे, नंददास का स्थान आता है। ठीक है, इनको याद रखेंगे और नंददास आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अष्टछाप के कवियों में शब्द शिल्पी कौन माने जाते हैं। शब्द शिल्पी, तो 2 सेकंड है, आपको उत्तर चयन करना है। और जो शब्द शिल्पी माने जाते हैं वो नंददास ही माने जाते हैं। ठीक है, शब्द शिल्पी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव एवं भाषा की प्रांजकता में सूरदास के बाद दूसरे स्थान के कवि कौन थे। तो अष्टछाप के कवियों में बताना दोस्तों, काव्य सौष्ठव एवं भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद जो दूसरे कवि थे वो दूसरे कवि नंददास ही थे। ठीक है, ये प्रश्न कई तरीकों से आपसे पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपको तैयार रहना है। और अष्टछाप के प्रथम कवि माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, कई बार पूछा गया दोस्तों। अष्टछाप के जो प्रथम कवि माने जाते हैं, 2 सेकंड में आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं, अपना टेस्ट भी करते जाएं, और वो माने जाते हैं कौन, कुंभनदास। कौन माने जाते हैं अष्टछाप के प्रथम कवि? कुंभनदास। सबसे वरिष्ठ कवि भी माने जाते हैं कुंभनदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टछाप कवियों में वह कवि जिनका महत्व साहित्यिक दृष्टि से ना होकर ऐतिहासिक दृष्टि और व्यवस्था संचालन की दृष्टि से था, वो कौन से कवि थे। जिनका दोस्तों साहित्यिक दृष्टि से महत्व नहीं था, वरन ऐतिहासिक और व्यवस्था संचालन की दृष्टि से महत्व था, तो वो कवि थे कृष्णदास। कौन से कवि थे? कृष्णदास थे, जिनका महत्व था व्यवस्था संचालन की दृष्टि से। ठीक है, अगला आपसे पूछा जाता, रचना की प्रचुरता तथा विषय की विविधता की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सर्वोच्च स्थान किसका है। रचनाओं की प्रचुरता, विषय की विविधता की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है, प्रश्न क्रमांक 12 में। और 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंददास। नंददास रचना की प्रचुरता, विषय की विविधता की दृष्टि से नंददास अष्टछाप के सर्वोच्च कवि, सर्वोच्च स्थान इनको प्राप्त है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कवि कौन थे। पिता पुत्र, तो 2 सेकंड में आप उत्तर कमेंट में लिख दें दोस्तों कि जो अष्टछाप के कवि थे इनमें एक ऐसे भी कवि थे जो पिता पुत्र थे, यानी कि आपके कुंभनदास है ना और चतुर्भुज दास ऐसे थे दोस्तों जो पिता पुत्र थे, कुंभनदास चतुर्भुज दास जी के पिता थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, अष्टछाप के प्रथम और सबसे ज्येष्ठ कवि कौन थे। प्रथम कवि भी थे और सबसे ज्येष्ठ कवि थे, तो वो कवि कौन थे। और प्रश्न क्रमांक 14 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो कवि कौन थे दोस्तों, कुंभनदास। कौन थे? कुंभनदास, ये ज्येष्ठ थे, प्रथम कवि भी यही माने जाते हैं। अगला है, अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि कौन थे, यानी कि 15 का उत्तर बताना है, सबसे कनिष्ठ बताना है। और सबसे ज्येष्ठ थे कुंभनदास और सबसे कनिष्ठ थे नंददास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, काव्य सौष्ठव एवं साहित्य रचना की उत्कृष्टता की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे। साहित्य रचना की उत्कृष्टता, उत्कृष्टता कहा गया है, तो यहां से आप कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर भी एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि रचना की प्रचुरता तथा विषय की विविधता की दृष्टि से, है ना। फिर आपसे यहां पूछा गया है कि काव्य सौष्ठव एवं साहित्य रचना की उत्कृष्टता की दृष्टि से जो अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूरदास। ठीक है, सूरदास माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टछाप के कवियों में सूर के उपरांत वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले द्वितीय कवि कौन है। आपको पता है कि वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ जो चित्रण किया है
वो किया है किसने, सूरदास ने। लेकिन जो द्वितीय कवि माने जाते हैं जिन्होंने वात्सल रस का चित्रण किया है वो कौन माने जाते हैं अष्टछाप के कवियों में, तो वो माने जाते हैं परमानंद दास। कौन माने जाते हैं? परमानंद दास। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है। अष्टछाप के कवियों में सूर के बाद कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं पर रचना करने वाले कवि कौन है? सूर के बाद, तो आपको उत्तर बताना है और उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वो परमानंद ही हैं जिन्होंने सूर के बाद कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं पर रचना की है। ठीक है, अगला है आपको बताना है अष्टछाप के कवियों में, ये तो हो गया। अष्टछाप के कवियों में अपनी उदंडता के कारण प्रसिद्ध कवि कौन थे? अपनी उदंडता के कारण प्रसिद्ध थे तो वो कौन से कवि थे, यानी कि 19 का उत्तर पूछा जाता है आपसे, और उदंडता के कारण प्रसिद्ध थे दोस्तों तो वो थे चीत स्वामी। ये अपनी उदंडता के कारण प्रसिद्ध थे अष्टछाप में। ठीक है, अगला है काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूर और नंददास के बाद महत्वपूर्ण स्थान किसका था? सूर और नंददास के बाद, तो जो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप में सूर और नंददास के बाद जो महत्वपूर्ण स्थान था वो था परमानंद दास का। ठीक है, परमानंद दास, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है दोस्तों अष्टछाप के वह कवि जिनके पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश पड़े रहे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 21 का उत्तर आपको बताना है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और दोस्तों वो जो कवि थे वो कवि थे परमानंद दास, जिनके पद सुनकर वल्लभाचार्य कहा जाता है कई दिनों तक बेहोश पड़े रहे। ठीक है, अगला है अष्टछाप के वह कवि जिनके मनोहर गान को सुनने एवं संगीत सीखने के लिए स्वयं तानसेन उपस्थित हुए थे, तो वो कवि कौन से हैं दोस्तों? बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, और आपका उत्तर होगा गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी ऐसे कवि हैं दोस्तों जिनके मनोहर गान को सुनने एवं संगीत सीखने के लिए स्वयं तानसेन उपस्थित हुए थे, है ना, इसको याद रख लेना है। ठीक है, किनकी? गोविंद स्वामी, इनको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अष्टछाप के कवियों में प्रसिद्ध कवि संगीतज्ञ एवं गवैये कौन थे? 23, प्रसिद्ध कवि संगीतज्ञ और गवैये कौन थे, तो 23 का आंसर होगा गोविंद स्वामी। प्रसिद्ध कवि भी थे, गवैये भी थे, संगीतज्ञ थी। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अष्टछाप के कवियों में बुद्धि योग्यता एवं प्रबंध कुशलता के कारण अधिकारी पद पर आसीन होने वाले कवि कौन थे? अष्टछाप के कवियों में बुद्धि योग्यता एवं प्रबंध कुशलता के कारण अधिकारी पद पर आसीन होने वाले जो कवि थे वो थे दोस्तों आपके कौन? आपको पता है कि कृष्णदास का साहित्यिक महत्व ना होते हुए इनकी ऐतिहासिक और व्यवस्था में इनका बहुत महत्व था, है ना, इसी प्रकार ये बुद्धि योग्यता एवं प्रबंध कुशलता के कारण अधिकारी पद पर आसीन हुए कृष्णदास जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कौन थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय बताना है तो कौन थे? 25 का आंसर अगर आपसे भर रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं, और यहां पर आपका उत्तर होगा सर्वाधिक जो काव्य शास्त्रीय थे दोस्तों वो कौन थे, तो वो थे नंददास। ठीक है, नंददास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा मानसे ने किस अष्टछाप कवि को सोने की तलवार मोहरे इत्यादि देनी चाही थी जिसे उन्होंने इनकार कर दिया था, तो किस कवि को देनी चाही थी दोस्तों राजा मानसे ने, और वो कवि थे कुंभन दास, है ना, कुंभन दास को राजा मानसे ने अष्टछाप कवि थे कुंभन दास, और इन्हें सोने की तलवार मोहरे आदि देनी चाही, लेकिन कुंभन दास ने क्या किया था, मना कर दिया था। ये अष्टछाप के प्रथम कवि थे, अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि थे, वरिष्ठ कवि थे, है ना। आपको बताना अष्टछाप के कवियों का प्रधान विषय क्या था, यानी कि 27 का आंसर बताना है, और अष्टछाप के कवियों का जो प्रधान विषय था वो कृष्ण लीला एवं कृष्ण भक्ति। ठीक है, कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति ये अष्टछाप के कवियों का प्रमुख विषय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के फतेहपुर निमंत्रण पर किस अष्टछाप के कवि को बेहद गिलानी हुई थी, और उन्होंने यह कहा था कि संतन को कहाँ सीकरो सीकरी सो काम, ये कई बार पंक्ति पूछी गई है कि ये पंक्ति किसकी है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये पंक्ति कही थी, और ये कही थी मुगल सम्राट अकबर के फतेहपुर निमंत्रण पर
किस अष्टछाप के कवि ने कही थी, तो वो कही थी कुंभन दास ने। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये कुंभन दास की पंक्ति मानी जाती है, संतन को कहाँ सीकरो सो काम, सीकरी सो काम। ये पंक्ति कई बार पूछी गई कुंभन दास की। अब आपको पता चल गया कि ये पंक्ति इन्होंने क्यों कही थी। मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें फतेहपुर निमंत्रण किया और इन्होंने दोस्तों बेहद गिलानी हुई थी इन्हें, और इन्होंने ये कहा था संतन को कहाँ सीकरी सो काम। इसलिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी भी जाती है। अष्टछाप के कवियों में कृष्ण लीला का संपूर्ण वर्णन करने वाले कवि कौन थे, यानी कि 29 का कृष्ण लीला का संपूर्ण वर्णन करने वाले जो कवि थे दोस्तों, वो थे सूरदास और परमानंद दास। ये दो ऐसे कवि थे जिन्होंने कृष्ण लीला का संपूर्ण वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट अष्टछाप कवियों में जड़िया कवि कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, जड़िया कवि। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। अब इनको जड़िया कवि क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है रास पंचाध्यायी रचना में अद्भुत शब्द गठन कौशल के कारण इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि इन्हें जड़िया कवि इसलिए कहा जाता है, इनकी रचना थी दोस्तों कौन सी, रास पंचाध्यायी, और इसमें इस रचना में अद्भुत शब्द गठन कौशल का कारण इन्हें जड़िया कहा गया, और ये कवि थे जिन्हें जड़िया कहा जाता था, नंददास जी, ठीक है, नंददास जी थे। और अगला है दोस्तों शब्द गठन कौशल की दृष्टि से अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ नंददास थे, तो पद रचना की दृष्टि से परमानंद दास, तथा संगीतात्मक दृष्टि से कौन थे आपको बताना है। शब्द गठन कौशल की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन थे, नंददास। पद रचना की दृष्टि से सबसे जो श्रेष्ठ थे वो परमानंद दास, लेकिन संगीतात्मकता की दृष्टि से जो श्रेष्ठ थे वो कौन थे, वो आपको बताना है, तो आपका उत्तर होगा गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है। अब दोस्तों अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्टछाप के कवियों में हिंदी का गीत गोविंद है ना कही जाने वाली रचना रास पंचाध्यायी नंददास कृत वियोगी हरि ने कोमलकांत पदावली के कारण ने इसे कहा था, किसने कहा था, वियोगी हरि ने। ये याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए किस रचना को गीत गोविंद कहा जाता है, वह रचना कौन सी है नंददास की जिसे गीत गोविंद कहा जाता है, तो रास पंचाध्यायी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने कोमलकांत पदावली के कारण से कहा जाता है, और किसने कहा है, तो वो वियोगी हरि ने कहा है, ठीक है। ये आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं, तो इनको याद रखेंगे। अब दोस्तों राजस्थान से संबंधित अष्टछाप कवियों में एकमात्र कवि जिनका संबंध आत्री भरतपुर से था, तो वो कवि कौन थे, और वो कवि थे दोस्तों आपके गोविंद स्वामी, जिनका संबंध राजस्थान के आत्री भरतपुर से था। गोविंद स्वामी का ये गवैया थे, संगीतज्ञ भी थे और कवि भी थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपको बताना है, ब्रजमंडल के महावन स्थान गद मखंडी स्थान में निवास करने वाले अष्टछाप कवि कौन थे, यानी कि 34 का आंसर, ब्रजमंडल के महावन स्थान पे, तो वो थे गोविंद स्वामी, कौन थे, गोविंद स्वामी। ये दोस्तों ब्रजमंडल के कदम खंडी स्थान में निवास करने वाले अष्टछाप कवि थे, इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आज का आपका चैलेंज प्रश्न है, चैलेंज प्रश्न में आपको बताना है कि नंददास को जड़िया कवि किसने कहा है। आपने आज देख लिया कि नंददास को जड़िया कवि क्यों कहा जाता है, और इन्हें जड़िया कवि कहा किसने है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और दोस्तों आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन मेंबर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, और वहाँ पर उनको PDF स्टडी मटेरियल प्रेषित किया जाता है जो भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग आगे बढ़ते रहें, नंददास को जड़िया कवि किसने कहा है, ये सभी जितने भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे, और ये अष्टछाप का वीडियो आपको कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी वो आप बताएंगे। मैंने 3 ट्रिक आपको बताई हैं, 3 में से कौन सी अच्छी लगी ये भी आपको बताना है दोस्तों। इससे पहले की जो वीडियो हैं, पूरी हिंदी साहित्य ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरी हिंदी साहित्य ट्रिक्स वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, और IAS स्टडी ट्रिक, ये दोस्तों अपना टेलीग्राम ग्रुप है, IAS स्टडी ट्रिक आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और साथ ही जो भी साथी दोस्तों अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो 9098609291 ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।